हेलो, हाँ पंडित जी, बोलिए बोलिए। क्या मेरी शादी कमों से नहीं होगी? क्यों? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है अगर मेरी शादी कमों से होगी तो मैं सुबह मर जाऊंगा? इसका मतलब पहले और कोई शादी करे फिर मैं करूं? अच्छा, तो जब होगी शादी है? अब मैं क्या करूं? अब कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊं? अब क्यों नहीं अपने दुश्मन की शादी उससे करा दूं पहले, वो मर जाएगा फिर मैं उससे शादी कर लूंगा, ये सही रहेगा। हेलो, अबे शाहरुख। हाँ, अबे मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, अबे बहुत शानदार, तू जानता है उसको? हाँ, अबे कम्मो। अबे कम्मो कम्मो, अबे शाहरुख मैं सही कह रही हूँ? मैं तुझसे कह रही हूँ ना, अबे मैं अबे शाहरुख, मुझे वाला शाहरुख का भूत आके देख, इसलिए मेरे मुंह से कभी कभार निकल जाता है। किरण, मगर कम्मो तेरी दीवानी है। अबे सच कह रही हूँ, तेरी दीवानी है। अबे गाना गाती है वो, कौन सा? अबे कहती है आजा रे शारुकु, तेरे लिए गाना गा रही है वो। तेरे यकीन नहीं आ रही? सही कह रहा हूँ, तेरे लिए गाना गाती है वो, तेरे लिए बहुत सही रहेगी शाहरुख कम्मो। अबे मैं नहीं करता उससे शादी वादी, तू मुझसे कहता भी था कि मेरी शादी करा दो। देख, तुम्हें तेरी शादी कराने की सोच रहे हो? अबे यार सही कह रहा हूँ मैं, वो तेरे लिए गाना गाती है। मैं झूठ नहीं कह रही यार, सही कह रहा हूँ। अबे कितना अच्छा लगेगा यार, सुन तो मेरी बात, सुन मेरी बात सुन, जब तेरी शादी होगी तू दुबई से इंडिया आएगा, ओए होए हम तुझको लेके जाएंगे, तुझको नहलाएंगे ये ठंडे ठंडे पानी से। अच्छा ठंडे? अब हाँ, वो गरम गरम पानी होगा, उसमें नीम के पत्ते डले होंगे और टेसे फूल होते फूल, वो भी डालेंगे। अबे वो किस लिए? अबे वो इसलिए यार, तेरे जिस्म में जो दाने वाने हैं छोटे मोटे वो ख़त्म, फिर देख फिर तेरी आंखों में हम सुरमा मलेंगे और तेरे दोनों कानों में हम रुई घुसेड़ेंगे और नाक में भी। हाँ, अबे नाक में? अबे सुन तो यार, वो कान में रुई इत्र लगा के, अबे दूल्हे को वो भी तो आना चाहिए खुशबू, इसलिए तेरे साथ कैसा लगेगा, है ना? लगेगा ना बढ़िया। फिर अच्छा तू बता कौन सा सूट पहनेगा, तू कौन से रंग का सूट पहनेगा बता, काला क्या सफ़ेद बता, सफ़ेद बोले सफ़ेद, तेरे लिए सफ़ेद सूट लेके एकदम सफ़ेद, भाई साहब 20 मीटर का सूट लेके। अबे 20 मीटर इसलिए कह रहा हूँ कि वो लंबा चलेगा, लंबा, कई साल तक पहनी हो, काट काट के बाद में कुछ जो बने कच्छे बन जाएंगे, बच्चों के उनके पोतड़े बन जाएंगे, भाई ले बाद में तो टाइम कहाँ मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं 20 गज के लेके सफ़ेद सूट होगा एकदम, कैसा तू उसमें लग रहेगा, हम सुबह सुबह आएंगे तो उसको तैयार करेंगे तुझे। अब घोड़े तो तेरी गली में आने था, वो तेरी गली में तो सीढ़ियाँ, तो अब क्या करेंगे हम, बिस्तर लाएंगे, बिस्तर बिस्तर माने बेड, बेड बोले छोटा बेड, अबे छोटा बेड ले आएंगे। अबे छोड़ यार, मस्जिद से वो ले आएंगे वाला बेड ले आएंगे, मस्जिद वाला सही है, उस पर तुझको लिटाएंगे, कपड़े तैयार करके तुझको लिटाएंगे उसमें ले जाएंगे, जब नीचे जाएंगे तो हम गाड़ी में तुझको बिठाएंगे, गाड़ी में बिठाने बाद ले लड़के वालों की भी गली छोटी है, दोनों साइड बोलेगी स्कूटर, कोई बात नहीं तुझे फिर हम मसेरी में कहते लिटाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। और तुझे मसेरी में लिटाने के बाद तुझको हम सीधा लिटाएंगे, एकदम तू सीधा लेटे उस पर तेरे दोस्त तुझको कंधे में ले लेंगे। अबे कंधा मतलब यार, मतलब वो लड़के वाले आएंगे तेरे कुर्सी में बिठा लेंगे यार, कुर्सी में, हाँ लड़के वाले, और तुझे ले गए हम चले गए। अब वहाँ पर जाएगा सब, तेरी मुँह बोली होगी तेरी, बोले तो अबे यार वो पैसे ऐसे देते नेक देते ना कि दूल्हा होता है तो उसके लिए, तेरी वो होगी कुछ देर बाद तेरा निकाह होगा, कबूल कबूल होने के बाद फिर क्या होगा, फिर तेरे साथ तेरे चने बांटे जाएंगे। अबे मतलब ओहो यार, चने मतलब यार वो छुआर है, और तेरी शादी में पकेगा चना गोश, वो तेरे खिलाएंगे हम, वो तुझको खिलाएंगे, कैसा लगेगा चने गोश। अबे बकरे वाले चने नहीं करिए मैं, अबे नई डिश कर रहा हूँ चने गोश, वो पके होंगे
और साथ में कौर में भी होगा, फिर तेरी शादी होगी, हम वहां से लाएंगे रात को तुझको ले आएंगे सामान, तेरा सामान रहेगा, हम तुझको फिर तुम दोनों को उस पे लिटा के ले आएंगे। किस पे लिटा के ले आएंगे? जिस पे तू कहता तेरी गली पतली है, क्यों उस पे लिटा के तुझे लेके आएंगे। तेरा कमरा होगा बिल्कुल सफेद रंग का कमरा, बिल्कुल सीधा एकदम सीधा, उस पे तुझको लिटा देंगे बिल्कुल सीधा करके, बिल्कुल तो सीधा रहेगा। क्या उठ के बैठेगा? उठ के नहीं बैठेगा, चल वे कमरा छोटा है और जमीन बहुत महंगी है, उस पे तू लेटेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर हम तेरी बरसी करेंगे। हाँ हम तेरी बरसी करेंगे।